कर्म योग विद्यापीठ की ओर से जालंधर के आदर्श नगर स्थित सरस्वती सिंधु न्यास योग हॉल में भव्य योग और ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग व ध्यान के लाभों से अवगत करवाना और उन्हें मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व कर्मयोग विद्यापीठ के अध्यक्ष जस्सी कैरो ने किया। जस्सी कैरो और उनकी रूस से आई योग विशेषज्ञों की टीम का स्वागत तुलसी की माला और पुष्प वर्षा के साथ बड़े ही आदर पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में रूस से आए विशेष योग विशेषज्ञों ने योग आसनों और ध्यान तकनीकों का प्रदर्शन किया। योग शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सतविंदर सिंह कुंदी, जस योग अकादमी की टीम और हमारा योग परिवार के सदस्य संजय योगी के साथ अमृतसर से आई उनकी पूरी टीम भी इस आयोजन में शामिल रही। कार्यक्रम का समापन एक विशेष संगीतमय प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें प्रसिद्ध गायक गवि ने गिटार के साथ अपनी मधुर प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। अंत में सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए उन्हें सिरूपा भी भेंट किए गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। आज हमारा योग परिवार आदर्श नगर जालंधर में रशिया से हमारे जस्सी कैरो जी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे हॉल में पधारे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने आज हमें एक बार फिर टाइम दिया। पहले हम इनसे मिल चुके थे झंडू सिंगा में, वहां पे इनका प्रोग्राम अटेंड किया था। अब की बार इन्होंने हमें टाइम दिया था कि अब की बार आएंगे तो जालंधर ज़रूर आपकी क्लास में होके जाएंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा जस्सी कैरो एंड उनकी टीम के लिए। अब जस्सी कैरो जी प्लीज़। मेरा नाम जसविंदर है, जस्सी कैरो के नाम नाम सारे जानते हैं मैनू। मैं कपूरथला सिटी तो बिलोंग करता जी। मैं योगा मेडिटेशन योगा थेरेपी जिदा डिफरेंट कंट्रीज़ आ, मेरे को रशियन स्पीकिंग कंट्रीज़ तकरीबन 14-15 कंट्रीज़ आ। ये जिदा मेरे कुछ कोलीग्स आ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स आ, इन्हों जिदा एक इंडिया नू ये समझदे एक है ना, एक स्पिरिचुअल कंट्री, एक होली कंट्री है ना। इन्हों के मन च यह हों कि इंडिया नू आपां जाके उत्थे कुछ आपां सीखीए इंडिया तो है ना, क्योंकि अपनी अमीर इन्नी संस्कृति आ इंडिया की है ना, ये उहदे सच वास्ते इंडिया विच आउंदे आ। तो ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस विच देखिया सी कि इन्हां नाल बहुत तरह की चीटिंग हो रही है ना, हर तरह ना मेंटली इमोशनली फिजिकली फाइनैशली हर तरह ना इन्हां चीटिंग हो रही सी। तो मैं फिर एक इनिशिएटिव 2010 विच लिया सी कि इन्हां नू सही अपने गाइडेंस दी जाए, सही इंडिया की जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी आ, सही जिहड़ी इंडिया की होस्पिटैलिटी आ, स्पैशली पंजाब दे विच अपने, क्योंकि इतने अपने टूरिज़म नहीं है ना, कि उन्होंने अपन टूरिज़म नू ग्रो करिए ते इन्हां नू भी सही जिदा मार्गदर्शन मिल सके। वी से तम नस्तरैन का कोई दा से तम जनीमा शतम योगा शस वी प्रिय खले उत इंडिया दा स्टो वी वी उची इंदू सम दा कक वी तचु शायद
А, мы учим как будто вот. Я на самом деле очень удивлена. В некотором моменте у нас большой центр, в котором развиты разные направления: йога, гвоздистояние, дыхательные практики, медитация. И мне очень нравится, пропустив вашу традиционную культуру через себя, привнести что-то новое и раскрыть вашим же людям в этом какие-то новые смыслы. साडा इन्हों का अपना उत्थे जिदा एक आश्रम है तो आश्रम के उन्होंने जिदा भी डिफरेंट मास्टर्स को जिदा होर टीचर्स को इंडियन संस्कृति पढ़ के तो इन्हों उन्होंने अपने आप से अप्लाई करके तो फिर देखा इन्होंने कुछ की कुछ अपने जेडे जिदा केंद्र होंगे घर की मुर्गी दाल बराबर भी इंडियन लोगों थोड़ी कदर घट कर रहे हैं इसकी है ना तो असी इन्हों अपलाई करके तो देखा कुछ भी चलो होर आप अवेयरनैस लोगों दी जाए. Я очень благодарна вашим людям, они открытые, они добрые, они все принимают с благодарностью, и везде есть учители, везде есть ученики. Для меня люди из Индии такие же учителя, как и я для них, и наоборот. Всегда есть чему поучиться. जे तुसीं कहिंदे इक इक कहावत है कि जे तुसीं सीखना नहीं तां तुहानूं कोई सिखा नहीं सकदा ना जे तुसीं सीखना चाहुंदे आ तां हर कोई तुहाडा टीचर आ ना ते मैनूं इत्थे बहुत ही वधिया इत्थे जिदा इंडियन लोग आ जिदा बहुत खुल दिले आ जिदा है ना बहुत ही हसमुख सुभा दे आ ते इह इक बहुत वधिया क्वालिटी आ ते इहदे जरिए तुसीं ईजीली सीख सकदे हो कुछ भी. Как отношения индус русские чушаешь? На самом деле эти отношения гораздо глубже. Индия и Россия, они всегда были близки и всегда были дружественными партнерами. И духовность Индии нам всегда близка. Очень близко йога, ваши божества, культура, религия, мантры, музыка, звуки. Это нам очень близко. И вот в таком взаимоотношении, которое выстраивает Джесси, приглашая нас сюда, мы приглашаем его. Это такой обмен опытом, который очень важен для того, чтобы создать что-то лучшее, новое. А что создано на дружбе, оно очень долго приносит пользу. अपने बहुत लंबे समय तो इंडिया ते भारत दी भारत ते रशिया दी बहुत है ना दोस्ताना संबंध रहे आ ते वो बहुत ही पुराने समय तो जिदा ये उत्थों तो साडे इन्हां दे जिदा बजुर्ग आ उन्हां तो ये सीखदे आ रहे आ कि अपना इंडियन कल्चर अपना संस्कृति इन्हां नूं बहुत लाइक करदे आ ते हुण सानूं साडी भी इक ये एफर्ट है इन्हां दी कि अपना जिहड़ा इंडियन कल्चरल एक्सचेंज आ उहनूं आपां डेवलप करिए.